मॉर्निंग फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और कमेंट में बताना आप लोग कैसे हो। आज हम पत्ते गोभी की सब्ज़ी नई तरीके से बनाने जा रहे हैं अपनी यूपी स्टाइल में। उसके लिए हमने थोड़े से बड़े बड़े से टुकड़े में पत्ते गोभी कट करके रख लिया है। और एक बार आप लोग हमारे तरीके से बनाइए तो आपकी फैमिली खुश हो जाएगी और बहुत अच्छे से खाना भी खाएगी। क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि पत्ते गोभी की सब्ज़ी टेस्टी नहीं बनती है। इसको बनाने के लिए हमने थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े में कट कर लिया है, क्योंकि हम इसको उबालेंगे तो एकदम गल जाएगी, तो इसकी आवश्यकता नहीं है कि आप एकदम बारीक बारीक से काटो। उसके बाद हमने कुकर में देखिए 5 आलू रख दिया है, पानी भी ऐड कर दिया है और इसको हमने छिलका उतार के रखा है। थोड़ा बहुत रह गया है जो बाद में हम निकाल लेंगे। अब इसके साथ इसी में हम पत्ते गोभी भी ऐड कर देंगे। ये देखिए पत्ता गोभी ऐड कर दिया है। अब इसको हम सीटी आने तक, जब तक आपकी आलू जैसे आप पकाते हो, क्योंकि पत्ता गोभी तो एक ही दो सीटी में गल जाती है, आलू आपकी टाइम लगती है, तो आप आलू गलने तक इसको सीटी आने दीजिएगा, उसके बाद बंद कर दीजिएगा। अब कुकर बंद करके उसके बाद सीटी आने तक वेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए आलू पत्ता गोभी अच्छे से उबल गई है। हमने इसको आलू को फोड़ के मिक्स करके रख दिया है, पत्ता गोभी भी इसी के साथ है। ये देखिए ये भी उबल गई है, एकदम छोटी सी हो गई है। ये देखिए मटर हमने थोड़ा सा छील करके रख लिया है, 2 बड़ा प्याज, हरा धनिया, मिर्च, लहसुन, अदरक सब पीस के रख लिया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, गरम मसाला 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। थोड़ा आवाज़ आ रही है, गली में बच्चे बोल रहे हैं, इग्नोर करिएगा। ये देखिए खड़े मसाले में हमने तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, जीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची सारा ले लिया है, इसी के अंदर है। इसको हमने तड़का देना है। ऑयल हमने रख दिया है, ऑयल गरम हो रहा है। ये देखिए ऑयल गरम हो गया है, हींग ऐड कर देंगे, सारे खड़े मसाले ऐड कर देंगे। देखिए खड़े मसाले हमारे पक गए थे तो प्याज ऐड कर दिए हैं, हल्की गोल्डन प्याज को हम भूंजेंगे। ये देखिए प्याज हमारी पक गई है, अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने मसाले भी ऐड कर दिया है, मसाले को हम लो फ्लेम पे पकाएंगे ऑयल छोड़ने तक। आप एक बार हमारे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, पत्ते गोभी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। अब हम इसको लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे मसाले को। मसाला खूब अच्छी तरह से पक जाता है तभी सब्ज़ी और टेस्टी बनती है। बिल्कुल यूपी स्टाइल में बना रहे हैं, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको चावल, पूड़ी, कचौड़ी, रोटी, पराठे जिसके साथ आप खाना चाहते हो आप खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए अच्छे से मसाला हमारा पक गया है, अब इसमें हम पत्ते गोभी, आलू ऐड कर देंगे। ये देखिए सब्जी को हमने लो फ्लेम पे भून दिया है, लगभग अच्छे से फ्राई कर दिया है। अब इसको हम 2 मिनट तक ढक देंगे खुशबू आने तक, उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए सब्जी को हमने अच्छी तरह से भून दिया है, देख लीजिए नीचे पकड़ने लगी है, तब इसमें अब हम पानी ऐड करेंगे, देख लीजिए इसका कलर। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, 1 बड़ा टमाटर, धनिया हमने बारीक कट करके रख लिया है, देख लीजिए आप छोटा टमाटर है तो आप दो ले सकते हो, बड़ा है तो एक पे ही हो जाएगा, जैसे आपका पसंद है। आप टमाटर ज़्यादा पसंद करते हो तो आप टमाटर ज़्यादा डाल सकते हो। अब इसमें हम सब्ज़ी में पानी, ये देखिए हमने आप
फैमिली के अकॉर्डिंग पानी डाल दिया है इसमें। अभी हम सब्जी को पकाएंगे। ये नहीं करना है आपको कि एक बार सब्जी उबल जाए तुरंत बंद कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। लगभग 5 मिनट से 6 मिनट तक सब्जी को अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि जब रस आपका अच्छी तरह से सब्जी का पक जाता है तभी सब्जी खाने में टेस्टी होती है। इसलिए आपको उबाल आने के बाद सब्जी नहीं बंद करना है गैस को। आपको सब्जी का जो रस होता है यानी पानी जिसको बोलते हैं उसको थोड़ी देर पकाना है, तभी सब्जी आपकी टेस्टी बनती है। देख लीजिए आप लोग खुद ही कितना देखने में इस टेस्टी लग रही है तो खाने में कितना लगेगी एक बार आप लोग। अब इसमें हम टमाटर भी ऐड कर देते हैं और हम इसको थोड़े उबाल आने तक हाई फ्लेम रखेंगे। उसके बाद इसको लो फ्लेम पे 5-6 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। नमक भी ऐड कर दिया है, सारा इसमें सब सामग्री ऐड हो चुकी है। अब इसको हम बंद कर देते हैं, ढक्कन से ढक देते हैं। देख लीजिए सब्जी में उबाल आना भी शुरू हो गया है। उसके बाद हम लो फ्लेम कर देंगे। ये देखिए सब्जी में उबाल आ गया है, अब इसको हम लो फ्लेम कर देंगे। देख लीजिए सब्जी हम, आपको इसमें ज़्यादा पानी नहीं रखना है, आपको मीडियम साइज पानी रखना है। तब देखिए कुछ इतना पानी है इसमें, तो आपको उसी हिसाब से पानी रखना है। अब इसको हम लो फ्लेम कर देंगे। आपको इसको एक दो बार बीच में चला देना है। अब हम आपको लास्ट में दिखाएंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको बीच बीच में इसको चलाते रहना है, नहीं पानी आपका पूरा जल जाए। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखिए सब्जी बन के रेडी हो गई है, देख लीजिए आप लोग। थोड़ा खोलने पे ना भाप रहती है इसलिए ऐसे दिख रही है, लेकिन देख लो अब अच्छे से दिख रही है। देख लो आप लोग इतनी टेस्टी बनी है। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से हम धनिया भी ऐड कर देंगे। ये देखिए उसके बाद ऐसे मिक्स कर देंगे। वीडियो हमारी पसंद आई हो कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भी सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। आप लोग के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। कमेंट में बताना आप लोग को पत्ता गोभी मटर आलू की सब्जी कैसे लगी। देख लीजिए कितनी टेस्टी बनी है और बहुत ज़्यादा हमने पानी नहीं रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।